अरे आप फिर आइएगा, सम्मान न दिया आपने तो आपका जूता मेरे सर पर बच जाएगा, इससे बढ़ के और आपको ये घर देखे गए। हाँ देखे अंदर अंदर हेर के देखे, पूरा छड़वा लौक रहा है, मतलब टूट के आधा पर समझ रहे समझ निकल गए, छड़ लौक रहा है, दिखाए सर जी, लेकिन उसके बावजूद नहीं आया मकान तो क्या किया जाए। आज गाना सुना लूंगा तुम्हारी गई पे। साल तो लोग रामधनी को देख लिए, पांच साल सलाहुद्दीन को भी देख लीजिए, लेकिन कहीं गांव में आरसीसी नहीं हुआ, बढ़िया से नाली नहीं बन पाया, ठीक ना, कितने पैखाने का पैसा इधर उधर हो गया लोग, लेकिन लोग पैसा नहीं पाए, सही है गलत है? सही है ना? उसके बाद मेरा भी लड़का प्रधानी में चुनाव में बिगुल फूंक दिया है, अभी 10 दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, वो तो हारा हुआ प्रत्याशी अगर जीत गया तो परमात्मा की बड़ी चमत्कार होगी, लेकिन जीतने के बाद यही लोग काम करवाएंगे कह करके कि हाँ ये काम बढ़िया कर रहा है, इसी को फिर अगले साल भी 5 साल बाद भी प्रधान इसी को रखेंगे, ये जनता अगर खुश ना हुई तो फिर कहिएगा। अच्छा अच्छा, ये तो सही है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसका लुग्गा देख के अंदाजा लगाया जाता है कि बड़ी सुंदर होगी, वही बात है जो हमारे गांव में एक पतोहू आई है, जो हाँ बोलिए, हमारे गांव में एक पतोहू आई है, हमने कहा कि इसका गांव जो जिस गांव से आई वो गांव सम्मानित है, ये नहीं सम्मानित है, इसका गांव पूरा सम्मानित लायक है, उस लायक को कर्म करती है, अब बहुत गरीब घर से आई है, अब बहुत गरीब घर में रजुआ घर में अगर हाँ रजुआ का औरत ही है। तो ये कह रही थी कि जैसे जो भी नेता बनते हैं उससे पहले वो यही कहते हैं कि जब हम बनेंगे तो एकदम विकास ही विकास। हमारी एक लड़की, हमारी एक लड़की पुलिस है, बीएससी फाइनल है, एक लड़की बीएससी फाइनल है, वो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है, और पूरे जिले में सिर्फ एक लड़की हमारी मेदांता में ड्यूटी करती है, हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी की, अब क्या चाहिए। अब लड़का बिल्कुल फूंक दिया चुनाव में, हमने उसको डांटा गाली दिया कि तुम क्या क्यों कर रहे हो, कहा नहीं अब खड़े हो गए तो खड़े रहेंगे, अब जिताना पंच का काम है, जनता का काम है, कला के सम्मानित जनता का काम है, ठीक ना। अब इसके आगे क्या बोलूं बताइए। एक बेटी डॉक्टर है, हाँ आप क्या करते हैं? हम तो चक्की चलाते हैं, चक्की चलाते जी हाँ, इनकम है वो भी पैसा, अरे इनकम क्या है, 200-300 कमा लेता हूँ, राइस मिल है जी हाँ, खूब पैसा है, पैसा नहीं है उसमें, नहीं नहीं बिना पैसा इसका बात कर रहे हैं, ये बताइए कितना बजट लेके निकले हैं, बिना बजट के प्रधानी चुनाव तो नहीं लगा, हमारे पास बजट है ही नहीं है अभी, 4 लाख रुपया लग गया दवा में, मैदानता में वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, अब आप अब मैदानता जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना और ये क्या बोलते हैं, देखिए नहीं याद आ रहा है। चाचा बचने के लिए आप कह रहे हैं बिना बजट के कोई चुनाव लड़ने के लिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दारू को बांट सके किसी को, हम हाथ जोड़ेंगे घर घर जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, नई गलती है तो भी भाई गलती जो होगी माफ कर दीजिएगा, वोट हमको दीजिएगा बस। पान जब चुनाव आता है, चुनावी माहौल है जैसे अभी चल रहा है, हाँ? तो बहुत माफी मांगा जाता है, जैसे भी आप कह रहे हैं गलती तो, नहीं रहेगा तो भी माफ, हाँ। अब जब प्रधान बन जाएंगे उसके बाद गायब गायब नहीं होंगे, लोग चिल्लाते रह जाएंगे, चिल्लाते अरे आप फिर आइएगा, सम्मान न दिया आपने तो आपका जूता मेरे सर पर बच जाएगा, इससे बढ़ के और मैं क्या कर सकता हूँ। हम गईली दस्तखत करवा प्रधान से, यही प्रधान दस्तखत करवा गईली, अपने मोबाइल ऐसा देखा था, फंस रहा गाना सुना था अटे, हमारे लड़का का रहा कागज मोहर लगवाए रहा, एक दिन तक घूम आईली, फिर बिहार मेरे फिर वह दस्खत हुआ, हम वो देख रहे टी वी टी, आज जब देखा देखा बहुत पूरा मर्द, एक घंटा से ऊपर बैठा लाली हम, तब वहाँ पर तब दस्खत वो दस्खत कहना मोहर लगेबे नहीं कहें, कहना मोहरिया जमा हो गए बला के परे, हाँ तो वो कागज रहा हमारे लड़के का था, कहीं जमा करना था उसको, हैं दूध अरे इनका खाली गाना सुना लगा दुआरी गई पे। मोबाइल देखा 5.5 साल पहले मैं हमारे बच्चे गए रामधनी जी के यहाँ प्रधान थे मोहर मरवाने, मोहर मरवाने रामधनी प्रधान जेल में बंद थे, और उनकी पत्नी ने कहा कि प्रसून मिश्रा जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी उनके पास मोहर है, मैंने प्रसून मिश्रा को फोन किया कि आपने यहाँ से मोहर क्यों ले गए, कहना भैया हमारे पास मोहर नहीं, मोहर वही है, मैं दूसरे दिन दिन भर वहाँ बैठा लेकिन मोहर उन्होंने नहीं मारा, मैं फिर गया खुटान जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र निषाद के पास, मैं वहाँ से अपना सब वेरिफिकेशन करा कर लिया करके तब मैं जमा किया बच्चों के लिए। तो ऐसे प्रधान है हमारे यहाँ के, मैंने महेंद्र पाल से कहा, एक मिनट, मैंने महेंद्र पाल से कहा, भैया एक मिनट, मैंने महेंद्र पाल जी से कहा जब प्रमुख थे, हमने कहा भाई हमारे अकेला में आप काम क्यों नहीं देते हैं, कहना है आपका प्रधान आता नहीं तो हम कहाँ से दें, बच्चा रोएगा तभी दूध पाता है नहीं तो नहीं पाता है, क्या कह रहे हैं चाचा आज गोड़ धर, आज तो गोड़ धर लिया, गोड़ धर था तुम्हार बिहान भर, ऐसा अगर देखिया तो हर चल दी है
अरे भैया खड़ा रहा। हाँ कोनो मतलब नहीं बा, देखिए आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अरे वक्त का इंतजार कीजिए, समय क्या करवाएगा अब उसके बाद तब कहेंगे। समय तो सबका देखा जाए तो हम तो बहुत अब तक उम्र ले देखा ली, हम तो उम्र ले देखा ली। एक प्रधान आना किशोरी खेते में खेत कुदारी चला तो मोहर थैली में ले रहे हैं। हाँ आप यहाँ जान लीजिए ये किशोरी पास बांधे यहाँ वो मोहर थैली में ले लेना, कुदारी भी नहीं है चलाना भी नहीं निकलना, पहले कोड़ा खेत में कोड़ा नहीं बटो नहीं मोहर मारा है। एक प्रधान तो ऊ रहना है, एक प्रधान जो आजकल है मोहर रहा कहीं और अपनी रही है, कहीं अपने और कहीं रही है, मोहर मारे खाते को चार दिन चक्कर लगावा। अब आप क्या कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे? जवाब ये है अभी तो हम हारे हुए प्रत्याशी हैं, हमारा कोई पोजीशन नहीं है। जब आप मैदान में उतरने से पहले यही मान लिए कि आप हार गए, सुन लीजिए अब तो जनता के ऊपर है ना जिताना। हमारा 10 दिन से अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जोश में निकले हैं ये काहे बोल रहे हैं कि हार गए। ठीक है चलिए, जोश में निकले हैं, नहीं हार मान ले रहे हैं, जोश में निकले हैं, अब जनता चाहेगी तो जिता देगी, जनता के ऊपर है। जनता भी कह रही है कि नौ युवक प्रधान चाहिए, तो लड़का खड़ा हुआ है प्रदीप चौहान नाम है उसका, पारुल पारुल कहते हैं। और अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए आपका बेटा प्रधानी में उठा है, आप इस गांव के हैं, चलिए पांच ऐसी समस्या बताइए या कोई ऐसा चीज बताइए जिस पर काम ही ना हुआ अभी तक, कुछ तो जानते हैं। देख लीजिए सामने नाली और सड़क दो, नाली सड़क तो बना ही नहीं है ठीक ना, और भी कई लोगों का पैखाना वाला काम नहीं हुआ है। ये देखिए झोपड़ी में पानी चूता है उसका मकान नहीं बन पाया, कितने लोगों का, कितने लोगों का मकान नहीं बना है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं बना है, मकान के लिए पैसा बताइए भैया कितना दिए थे मकान के लिए पैसा, तुम भी बोलो। हाँ भैया 5,000 दिए थे। 5,000 जी, ये आपकी वाइफ है? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। तो आप कितना दी थी? 5,000 दिए। आप लोग अलग अलग 5,000 रुपए दिए थे? तो क्या हुआ, तो नेहा गुप्ता आई चेक की इस घर में, तो हम लोग हमारे पिताजी हमारे भाई 3 लोग हैं, तो कच्चा मकान में हम रहते हैं, पिताजी मम्मी किसमें छोड़ देते हैं, तो वो भी चूता है। तो नया गुप्ता आई कहना ये आपका पक्का मकान है, तो बताइए ना वो सारा लगा है घर में भी चूता है, तो कहीं नहीं हो पाएगा तीन वो सीमेंटेड जी जी सीमेंट सीट नहीं हो पाया। 5,000 हम प्रधान जी को दे भी दिए थे, पैसा भी नहीं मिला। आपको क्या बोले, आपको ये घर देखे गए? हाँ देखे, अंदर अंदर हेल के देखे, पूरा छड़वा लौक रहा है, मतलब टूट के आधा पर निकल गए, छड़ लौक रहा है, दिखाए सर जी लेकिन उसके बावजूद नहीं आया मकान, तो क्या किया जाए। हाँ बोलेंगे नहीं, सही बात को छिपाएंगे, सही बात का अगर बोल दिया तब बयान रहू नहीं पाई है, इतना डर बा, इतना डर बना हुआ है, प्रधान जी से खौफ है, सबसे खौफ है, चुगलन से खौफ बा, चमचम से खौफ बा, हाँ हर चीज से डर यहाँ बात जान लीजिए। अभी यहाँ जो बात हो रहा है वो भी इन तक पहुँच गया, पहुँचे शाम का बहुत कुछ पहुँच जाए, प्रशासन सख्त नहीं रहा तो तुरंत मारल पीड़ल शुरू कर दिए, कि प्रशासन सख्त है। यही पहले प्रधानी चुनाव वैसे भी जाते हैं, सब होत रहा है, बहुत सुधार, कुछ बाकी नहीं है, मारपीट सब होत रहा है, 10 साल पहले 5 साल से कुछ गलीमत था, बहुत सुधार हो गया।